आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके समीक्षा अधिकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अपने साथ में एक पेन पेपर लेके बैठिए, अदरवाइज हैंड टू हैंड आप हर एक क्वेश्चन को जब भी अटैम्प्ट करेंगे, जो भी आपका स्कोर बनेगा पहले का, अगर आपको लगता है कि आंसर ए होगा तुरंत मुझे कमेंट करिए, ए बी सी डी जो आपको सही लगे वैसे आप मुझे कमेंट करिए, और फाइनल एक कमेंट आप मुझे करेंगे अपना फाइनल स्कोर। जैसे जैसे जनवरी ख़त्म होगा वैसे ही मैं इस मॉक टेस्ट का लेवल हाई कर दूंगा। अभी आपको शायद ये क्वेश्चंस आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो आपका बेस काफ़ी वीक है, तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता बहुत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी को अर्ध नंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर है आपका चर्चिल। इससे अधिक समय ना तो आपको एग्जाम में मिलना चाहिए, ना ही मिलता है आपको, और ना ही मेरी साइड से आपको टाइम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर टू, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? अब देखिए, उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनका नाम इसमें जिक्र नहीं करा है, ऑप्शंस में कहीं भी वो नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा। अब आपके लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चंस का लेवल टफ हो गया होगा। चार ऑप्शंस पढ़िए, बर्नार्ड शॉ, लियो टॉलस्टॉय या फिर कार्ल मार्क्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या रहेगा। लगाइए लगाइए, कमेंट करिए, आप एक काम करिए तुरंत मुझे इसका राइट आंसर है इसका बी, लियो टॉलस्टॉय। इससे अधिक आपको समय नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब? 1859, 1869, 1879 या फिर 1889। राइट आंसर बी, 1869। क्वेश्चन नंबर फोर, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर लाला लाजपत राय। राइट आंसर डी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, पूछ रहा है। याद रखना, सहायक नदी कौन सी गंगा की नहीं है। चार नदी के नाम हमको दे रखे हैं, स्वर्ण, सोन, गंडक, कोसी। थोड़े से मैप को याद करिए। राइट आंसर होगा इसका ए, स्वर्ण रेखा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर एपी। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, एपी। देखिए बच्चों, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक एटलस परचेस कर लो। इंडिया का मैप जो भी है, ख़ास तौर पर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और ये एपी, जो आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इस स्टेट को थोड़ा गौर से देखो, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। और मैप में जो माउंटेन है, रिवर है, दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान से मैप में देखनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास में मैप होगा। पिछले वीडियो में मैं कई बार आपसे बोल चुका हूँ, शायद आपने अब तक परचेज कर लिया होगा। अगर आपने अब तक परचेज नहीं करा है तो एज यू विश, जैसे आपको सही लगता है वैसे करिएगा। अगर लगता है कि एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाई होने के बाद में आंखें खोलनी है तो बाद में आंखें खोलिए। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ लोग एक्सक्यूज़ ये देते हैं कि यार बड़ा मुश्किल काम है, इतना कम समय में सिलेक्शन लेना, इसका एग्ज़ाम होने वाला है, सिलेक्शन कहाँ से होगा इतने कम समय में, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको याद होगा दशरथ मांझी का एक डायलॉग, कौन सा, पहाड़ तोड़ने से मुश्किल हका, बस वही याद कर लीजिएगा। तो पहाड़ तोड़ने से मुश्किल काम तो नहीं है ना आपको पढ़ना। क्वेश्चन नंबर सेवन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10, 5, 3, 25। राइट आंसर 10। क्वेश्चन नंबर एट, काचीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, असम। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या फिर डेयरी विकास। अब देखिए, ऑपरेशन फ्लड में आपको याद होगा दूध से संबंधित ये था, लेकिन इसका जो मेन टारगेट था डेयरी का विकास करना। अगर डेयरी का विकास होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, दूध का आयात, मतलब दूध से संबंधित जो भी क्रियाविधि होती है वो सब संपन्न हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है, सख्त, काली, दोमट, लाल। तो इस 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ। तो 11 का राइट आंसर है आपका सी, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि उद्योग विज्ञ को जाता है उसका नाम क्या है। तो हरित क्रांति का श्रेय बात कर रहा है भारत की, ध्यान रखना। अब बताइए राइट आंसर इसका क्या रहेगा, फटाफट से पढ़िए सभी ऑप्शन। इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी, M.S. स्वामीनाथन। देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज रिलेटेड टू फ्लड ऑपरेशंस, और ये कैसे संबंधित था, मिल्क प्रोडक्शन से। तो जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था, पिछला क्वेश्चन नंबर 10, तो इससे संबंधित ये है, और दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। हरित क्रांति का श्रेय जाता है M.S. स्वामीनाथन को, लेकिन इंडिया में जाता है आपका, अगर मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित कहा जाएगा तो वह आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन, पता होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, राणा प्रताप सागर संबंधित है किससे, सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो इसका राइट आंसर है आपका डी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, 22 जुलाई, 30 जनवरी, 4 जुलाई, 21 सितंबर। राइट आंसर सी, 4 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले जो सत्यमेव जयते ये जो शब्द है ये किस उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। कई बार एग्जाम में पूछा गया होगा आपके, कई बार आपने ये मॉक टेस्ट में भी देखा होगा और आपको याद भी होगा। तो फटाफट चारों ऑप्शन पढ़िए, और इसका राइट आंसर होगा आपका मुंडक उपनिषेद। अगर आपको नहीं पता है तो इसको कहीं पर नोट कर लेना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है आपका ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, पार्सियन, रोमन, देवनागरी या फिर पाली। राइट आंसर होगा इसका सी, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 18, ब्राइल लिपि को किसने स्पष्ट किया था, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक फ्लिट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका डी, इनमें से कोई भी नहीं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, 23 मार्च। राइट आंसर होगा इसका सी, 28 फरवरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में डाक घरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है आपका क्या, बिल्कुल सही जवाब है आपका, और राइट आंसर है इंडिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है, 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख, 1.9। राइट आंसर 1.5 लाख। 22 नंबर, हमारे सामने के प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, भद्रचलम, चिदंबरम, हम्पी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सोच लीजिए, टाइम अप। राइट आंसर सी, हम्पी। क्वेश्चन नंबर 23, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, अरबों ने, यूनानियों ने, रोम वासियों ने या फिर चीनियों ने। राइट आंसर ए, अरबों ने।
24 नंबर, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। राइट आंसर सिंध। और देखिए ये टॉपिक हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक एक चीज़ टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी की, कोई एग्ज़ाम इजी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अभी समय है, अगर आप अभी से सही ट्रैक पकड़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता में आपको इसके अलावा क्या क्या पता होना चाहिए, उसका सर्वमान्य काल क्या था, 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 कितना 50 ईसा पूर्व, ये आपको याद होगा अगर आपने ढंग से लूसेंट बुक पढ़ी है तो। वहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी, दयाराम साहनी ने करी थी, और ये स्थल कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी पे, और कब खोज करी थी 1921 में, और जो बात कर रहा हूँ 24 की, इसकी खोज करी थी राखल दास ने, कब करी थी 1922 में, और सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ है। अगर बात करें रोपड़ की, लोथल की, कालीबंगा और चन्हुदड़ो, तो ये सब लिस्ट आपको बुक में मिल जाएगी, वहाँ से आप याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको पक्का बनने वाला है, तो यहाँ पर भी बनेगा, और इसलिए आपको अभी से तैयारी करनी है अगर आपने लूसेंट बुक अब तक नहीं पढ़ी है। और आपको नहीं पता कि कितनी बुक का कौन कौन सी चीज़ों को आपको आपके लिए बहुत ही यूजफुल पॉइंट हैं, तो उन सभी पॉइंट को आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। बुक ख़त्म हो चुकी है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको उसके तमाम वीडियो मिल जाएंगे अगर टाइम है आपके पास में तो। देखिए मैं कोई फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चों को ये लगता है कि मैं अपने उस प्लेलिस्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, तो प्रमोशंस तो आपके एग्ज़ाम के बाद भी हो सकता है, ठीक है? तो आप देख लेना, आपको जब बेस्ट लगे, जब आपके पास डाटा हो, वाईफाई फ्री मिल जाए किसी का, तब पढ़ लेना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे खुराफाती स्टूडेंट होते हैं, तो खुराफाती जरूरत से ज़्यादा कभी कभी हानिकारक होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत करी? दांडी, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। उसका राइट आंसर आपके सामने चंपारण, ये पहले से मैंने लगा रखा था क्योंकि ये क्वेश्चन इजी था। अब आपका जो भी स्कोर बनता है मुझको आप कमेंट पक्का करेंगे, और महात्मा गांधी जी से संबंधित सभी एक्टिविटी, हमारी पूरी हिस्ट्री में ये एक ऐसी पर्सनालिटी है महात्मा गांधी जी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन सबका पक्का बनेगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था ये आपको पता होगा, लेकिन ये जो दक्षिण अफ्रीका गए थे रंगभेद के विरुद्ध, इन्होंने जो संघर्ष करा था वो कब करा था, इसका आप मुझे भेजेंगे कमेंट में इसका आंसर। ये है मेरी ओर से आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन। और उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था आखिरकार, 1917 में, और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, खिलाफत हुआ था 1919 में, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, और असहयोग आंदोलन वापस लिया था 1922 में, चोरी चोरा कांड के अगेंस्ट ये काफ़ी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने इसको असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर आपसे बात करते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका कब, 1931 में, और गोलमेज सम्मेलन की जो सेकंड मीटिंग हुई थी इंग्लैंड में, अंबेडकर के साथ में ये गए थे महात्मा गांधी जी, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, और गांधी जी को गोली किसने मारी थी नाथुराम गोडसे ने, कब, 1948 में। तो ये सभी डेट आपको एग्जाम में जाने से पहले याद रखनी है, अगर याद नहीं थी तो दोबारा से थोड़ा सा इसको बैक प्ले करिए और कहीं पर नोट कर लीजिए। और मुझे आपका 25 में से क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट आप पक्का करेंगे अगर आप एक एक्टिव स्टूडेंट हैं तो। और फ्रेंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो चिन्नक सा भी, मतलब जरा सा भी, तो इस वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशंस पे आपको ओके करना है। देखिए अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो चैनल पे सब्सक्राइबर तो बहुत हैं, लेकिन 5% पर ही नोटिफिकेशन जाता है। उनकी गलती ये होती है कि वो सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं। अब लगाइए कि 10% नहीं, केवल हाँ 10% या 11% ये रेशियो है मेरे चैनल का जिन्होंने बेल आइकन पर क्लिक करना कर रखा है, अदरवाइज सब्सक्राइब करके छोड़ रखा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करके छोड़ रहे हैं तो अननेसेसरी सब्सक्राइबर की क्वांटिटी तो बढ़ रही है, बट एक्टिव स्टूडेंट कोई नहीं है,
केवल 5% है। अब देख लीजिए, तो आप देखिए कि अगर आपने अब तक बेल आइकन पर क्लिक नहीं करा तो कर लीजिए, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि चैनल यूजफुल है तो ही सब्सक्राइब करें, वरना फिर मत करना प्लीज़। ठीक है, तो बस पढ़िए और आगे बढ़िए। जो भी चैनल को मैं सब्सक्राइब कर रखा है, इसके अलावा उन सभी वीडियो को ढंग से फॉलो करिए। अब मैं उनके चैनल को भी प्रमोट कर रहा हूँ, कुछ खुराफाती ये सोच रहे होंगे, जी हाँ मैं कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा मेन टारगेट ये है कि आपको पढ़ना है, चाहे मेरे थ्रू पढ़ें चाहे किसी और के थ्रू पढ़ें, पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, चाहे इस चैनल के माध्यम से लें चाहे किसी और चैनल के माध्यम से। बस एक बार याद रखना कि कुछ करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और कुछ ना करने की भी। फैसला आपका है कि आपको कीमत कब चुकानी है, आज या फिर कल, या फिर डैश 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 क्वेश्चन मार्क। थैंक्स फॉर